हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? और सब ठीक होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो मैं आई हूँ आज न्यू व्लॉग लेके। न्यू व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ठंडा है। देखो, और मैं भी देखो कॉटन का चुन्नी सी लेके घूम रही हूँ, क्योंकि गर्म कपड़े और गर्म कोई चीज़ अभी ऊपर नहीं ली जाती। इतनी भी सर्दी नहीं है, पर है भी, इसलिए मैंने ये कॉटन का चुन्नी लेके घूम रही हूँ। तो अभी जो कल वाले कपड़े, आपको पता ही है कि कल वाले कपड़े रात को धोते हुए तो अभी सूख ही नहीं। अभी दोबारा सुखा रही हूँ, देखो दोबारा सुखा रही हूँ ये। और अभी धोने के लिए दूसरे तैयार पड़े हैं। अभी थोड़े मोटे कपड़े हैं, जैसे कंबल वगैरह, दरियाँ वगैरह, वो धो रही हूँ। फिर ठंड हो जाएगी, थोड़ी बहुत धूप निकलती है, अब सूख जाएंगे। बाद में तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलेगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सुबह से बचाए के लिए, बाकी सब सोए हुए हैं, क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे थोड़ा लेट उठते हैं। तो मैंने सोचा चल मैं कपड़े धो लूँ, उठ के जो कपड़े गिल्ले पड़े हैं वो सुखा दूँ। तो मेरी आवाज़ नहीं निकली सुबह सुबह, मैंने चाय पी अभी। तो जशनूर वैसे चाय पी थी, अंदर सोई हुई है, तो बाकी सोए हुए हैं। जशनूर ने मेरे साथ उठ के चाय पी ली। तो देखते हैं अब क्या करेंगे आज। आज तो अभी एक बार तो मैं कपड़े धो रही हूँ, कंबल वगैरह, मोटे दरियाँ वगैरह मशीन में डाल रही हूँ। तो जो ये वाले सुखाने वाले ये सुखा रही हूँ। तो आगे जो भी आज संडे को बनाएंगे, खाएंगे, जो भी कहीं जाएंगे, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये धो रहे हम कंबल, धोया था वैसे थोड़े दिन पहला। ये धोए मैंने दरियाँ, दरी धो दिया मैंने। जशनूर खेल रही है, ये कपड़े धोने वाले पड़े हैं, ये कल वाले सुखाने वाले पड़े हैं। जशु बाहर चलो, जशु हाँ जी है, बोलो। मटर कौन है? ये देखो मैं बना रही हूँ दाल, दाल बच्चे दाल दाल बना रही हूँ। सुबह सुबह सभी सुबह सुबह काम बहुत है मेरे पास आज। मुझे लेट हो जाएंगे, इसलिए बीच में से दाल बनाने लग गई। अभी सारा काम पड़ा है, ये देखो बर्तन वगैरह और कपड़े। ये देखो कपड़े सेल लगी हुई, कपड़ों के ये रात वाले अभी तक सूखे नहीं है, क्योंकि ऊपर ये देखो दो दो के दरियाँ सुखा रखे हैं हमने। धुआं बहुत है, पता नहीं आंखों में जलन हो रही है। ये देखो जसनूर ऊपर कपड़े सुखाने गई है, अभी ये पड़े इतने धोए हुए सुखा सुखा के रख रखे। ये भी अभी सुखाने जाएंगे, रजाइयों के छाड़, गरम रजाइयों के छाड़ धोए। अभी सफाइयाँ शुरू हुई पड़ी है, सारी सफाइयाँ की मैंने। अभी सारे कपड़े जो पहनने वाले थे वो मैंने सारे निकाल लिए, और जो नहीं पहनने वाले थे वो मैंने सारे रख दिए। तो ये देखो ये सब मैं सफाई कर रही हूँ अंदर की, अलमारी की भी मैंने सफाई की है। ये देखो अलमारी की भी मैंने सफाई की है। एचबुड तो ये पड़े, कुछ कपड़े ऐसे बांध बांध रख रखे हैं। तो
करेंगे, डालेंगे थोड़ा सा नमक, डालेंगे हल्दी। दाल अच्छी बनती है वैसे बनाई, सुबह सुबह का टाइम में अच्छी बनती है दाल। थोड़ी सी डालेंगे मिर्च, क्योंकि मिर्च तेज बहुत है। पानी ये बन गई मेरी दाल। अब उतार के लाए ऊपर कपड़े, बड़े बड़े कंबल ऊपर सुखा रखे हैं मैंने छत पे। और ये देखो गाइस, मैंने ना कबूतरों के लिए चावल रखे थे, तो वो कभी आते कभी आते नहीं, आज पड़े ऐसे कैसे जाओ। मौसम बहुत ख़राब है ऊपर से, इन लोगों ने कैसे कपड़े दो दो सुखा रखे। सोच देखो पीछे गाड़ी वाली लाइन, ये सूख रहे अपने कपड़े। ये जिसनूर सोई हुई है, संडे को सबका सोने का काम है, कोई काम नहीं है। कपड़े मैंने उतार लिए, बहुत ज्यादा धोए थे पागल। ये भी रखे हुए मैंने चावल, देखो कैसे। ये मैं ना वैसे बेकर पानी में भिगो कर फिर रखती हूँ उनको, पानी भी मैंने थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है। ये रख रखा है, ये रख रखा। ओ नो, ये तो कंद में, ये देखो लकड़ियां सूख गई जो उस दिन इन्होंने, ये इधर से काट के ले आते हैं लाइनों पर ये लकड़ियां नीम की, फिर सुखाते हैं छत पे ना। जी मैं रख के गई थी सुबह, गिल्ले क्यों रख के आते हो आप? गिल्ले खाए अच्छे जाते हैं बेचारे, तो फिर रात को भिगो के रखा करो। रात को भिगो के रखेंगे, मम्मी नार मार के। ना नार मान परेंदे, ये लकड़ियों के ऊपर देखो कितना कचरे कचरा। पहले हम इधर रहते थे, सब लोग रोज, आजकल तो रोज ही कपड़े धोने पड़ते हैं, क्योंकि कभी धूप निकलती कभी नहीं निकलती, तो इसलिए ये मशीनें हैं तो थोड़ा, नहीं तो चार चार दिन कपड़े ना सूखे। एक ये रख रखा मैंने पानी। ये बनाई मैंने चाय, चाय पी भी ली सबने। देखो ये मचा रखे मैंने आग, सुबह सुबह बहुत मुश्किल से आग मचती है, बहुत ज्यादा मुश्किल से, बहुत परेशान करती है। गीजर हम लगवा नहीं सकते, और राड रूड हम घर पे नहीं ले आते, मेरे को बहुत डर लगता है इन चीजों का, तो इसलिए मुझे तो यही सही लगता है। ठंड में उठ के सुबह सुबह पहले आग ही जलाते हैं। और वैसे भी एक बात और है, जैसे गिज्जर हुआ या राड हुई तो इनके पे आगे ज़्यादा ज़्यादा ठंडा आएगी, आप हाथ नहीं सेक सकते, तो ये आग भी अपने पास रहेगी और गर्म पानी भी रहेगा, और ठंड में आग भी सेक सकते हैं। इसके कई फायदे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आग भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखो, ये मैं साफ किया था,
लेकिन वैसे ही हो जाता है क्योंकि फिर रात दिन का काम है ना बेचारे का, तंदूर पे लगे रहना। इसलिए देखो तो गाइस दिवाली पास आ चुकी है, तो सबकी दिवाली अच्छी हो, बढ़िया हो और तंदुरुस्त से त्यौहार मनाएं हैं। और चलो क्या करना है, और ठंड बहुत है जी, बहुत दूर पड़ रही है अभी तो, ओस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, देखो ओस कितनी है, आप लोग ऊपर जाके देखो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये धो रही हूँ गाइस मैं कपड़े, ये देखो ये मतलब जो गर्म कपड़े है, वैसे तो बेड से निकाले हुए कपड़े हैं तो थोड़ा सा ना वो हो जाता है, आपको पता ही है स्मेल से आने लग जाती है जब बेड से मतलब धो धो के रखे हुए थे कपड़े, इसलिए इनको पानी से निकाल दिया मैंने, सर्फ में से निकाल दिया। ठंडा पानी ये देखो पहला जो खाम खांसी होया पे छड़ आ जा, जसु को जो खाम खांसी होया पड़े पा चप्पल तो ये मैं सुखा रही हूँ कपड़े, और देखो कितनी ओस है, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है, ये देखो ऊपर है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन दिनों में बस थोड़ी थोड़ी धूप होती है और आगे से अगले महीने में तो धूप बिल्कुल सूरज दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए ये गली में भी बच्चे सब स्कूल गए हैं, शाम के टाइम भी रौनक मेले होते हैं इधर, कि अभी घर वाला काम तो अभी सारा कर रही हूँ मैं, थोड़ा ही बर्तन बुर्तन है, पोछा झाड़ू है, ये सब कर रही हूँ। और ये लाइट है ना बहुत तंग करती है। चलो जी एक बार कपड़े सुखा दे फिर कोई करते हैं झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता है करते। जैसो नाखला बजरी